नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप फाइव। शाम को 5 बजते हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप फाइव। हरियाणा में कल बड़ा फेरबदल हुआ है, नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में आज अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। नायब सरकार के बहुमत परीक्षण का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद हरियाणा विधानसभा को संबोधित करते हुए नए सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में शासन में सुधार के लिए मिशन मोड पर काम किया। SBI ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। अब इस मामले पर SBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। SBI ने कोर्ट को बताया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्यौरा आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। SBI ने अपने हलफनामे में कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 PDF फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पासवर्ड से संरक्षित है। इस इलेक्ट्रल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है, उसकी रकम PM रिलीफ फंड में जमा कर दी गई है। और अगली खबर वाराणसी से, जहां मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सजा सुनाई गई है। 36 साल पुराने केस में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी पर 2,02,000 रुपए का जुर्माना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था माफ कीजिएगा VC के जरिए जुड़ा था माफिया मुख्तार अंसारी। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई है और DMSP के फर्जी हस्ताक्षर का लाइसेंस लिया था। मुख्तार को अब तक कुल 8 केस में सजा हो चुकी है। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। हैकर ने एक्स अकाउंट में अश्लील कंटेंट डाल दिए। सऊदी अरब के किसी हैकर ने अकाउंट हैक किया था और अकाउंट को रिकवर करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इधर लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा से कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा है। चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह अपने समर्थकों के साथ BJP में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने इनको सदस्यता दिलाई है। और इधर लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम काफी तेज है। BJP रोजाना एक कार्टून के जरिए अपनी बात कहती है, विरोधियों पर निशाना साधती है। एक कार्टून पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों पर निशाना है। BJP ने कार्टून पॉलिटिक्स की शुरुआत प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव से की है, जहां कांग्रेस ने पूर्व CM भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है। 11 मार्च को जारी पोस्टर में BJP ने कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा लिए दिखा दिया। भूपेश बघेल के साथ एजाज ढैबर और नवाज खान भी दिख रहे हैं। साथ ही BJP ने कैप्शन लिखा है, राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। वहीं दूसरा पोस्टर मंगलवार को जारी हुआ, इसमें जांजगीर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया पर निशाना साधते हुए लिखा, जनता सावधान रहे, पूर्व कब्जाबाज मंत्री की नजर अब आपकी जमीन पर है। इसके साथ ही कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर भी वार हुआ है। इस पोस्टर का कैप्शन है, इस बार निष्क्रिय नहीं सक्रिय सांसद चुने। नारायणपुर जिले के शासकीय स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में कांग्रेस ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस जांच टीम ने जिला में पुलिस प्रशासन पर आरोपी शिक्षकों को बचाने का आरोप लगाया। जांच टीम के सदस्यों ने बताया कि छात्राओं ने बताया कि शिक्षकों द्वारा उन्हें गलत ढंग से छुआ जाता था, मोबाइल दिखाने और पैसों का लालच देकर अकेले में बुलाया जाता था। कांग्रेस की जांच टीम ने कहा कि मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे और दोषी शिक्षकों को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार के नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में BJP ने देश की 400 सीट जीतने का संकल्प लिया है, जिसके तहत BJP प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए काम करेगी। विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा लोकसभा से नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़े या फिर कमलनाथ, उससे BJP को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो करोड़पति हैं।
बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद गोविंद सिंह ने कहा कि किसी भी चुनावी चर्चा के लिए नहीं आया था। जीतू पटवारी हमारे पार्टी अध्यक्ष हैं, पहले भी मिलने आता था, आज भी आया हूं। गोविंद सिंह ने पार्टी से नाराजगी से इंकार किया है। वहीं जीतू पटवारी ने गोविंद सिंह को द्रोणाचार्य बताया। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली। आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बता रहे हैं, कई कलेक्टर को खूब डांट पड़ी है और कई एसपी को भी। राज्य सरकार की योजनाओं और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। बैठक में सीएम के यानी सीएम साय के कड़े तेवर दिखे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ कलेक्टर और कुछ पुलिस अधीक्षक को खूब डांट पड़ी है। जबलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। बछौली तहसीलदार ने यह कार्रवाई की। मंडरिया गांव का यह पूरा मामला है। वहीं कवर्धा के पोंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हुआ। बुलडोजर लेकर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस टीम का विरोध देखने को मिला है। लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध किया। अल्पसंख्यक समाज के लोग जमा हो गए। समाज के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नाम पर यह जमीन है, वर्तमान में समाज का कब्रिस्तान का गेट है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी है और संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इधर पन्ना जिले में कुछ आदिवासी परिवारों ने वन विभाग और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस और वन कर्मियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है। उन्हें हाथ पांव टूटते तक मारा गया। मामला पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बृहस्पति कुंड की छोटी नदी में हीरा खोजने के दौरान सतना वन विभाग के कर्मचारी और बरौंधा थाने के पुलिस कर्मियों ने अचानक पहुंचकर आदिवासियों को बुरी तरह पीटा। मारपीट में कई लोग घायल हुए, 2 से 3 लोगों को गंभीर चोट आई है तो किसी के पैर टूटने की भी खबर है। इधर दतिया जिले में अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है। मंगलवार को कोटरा सिंध नदी पर छापेमारी की गई और इस दौरान अवैध रेत उत्खनन कर रही पनडुब्बियों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि जिले में कुल 40 खदानें स्वीकृत हैं। यहां लगभग 150 से ज्यादा जगहों पर पनडुब्बियों और जेसीबी से रेत निकालकर शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। बीजापुर स्थित आवासीय स्कूल की नाबालिग छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग के पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती हुई थी। गंगालूर आवासीय विद्यालय का यह पूरा मामला है। जैसे ही एक खबर आई कि नया राशन कार्ड बन रहा है, रायपुर में भारी भीड़ लग गई। निगम के जोन कार्यालय में लोगों की लंबी लंबी लाइन देखिए। भीड़ के कारण हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक ही काउंटर से राशन कार्ड वितरण से व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई। कार्ड के लिए घंटों से धूप में लोग इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम जोन कार्यालय में नए राशन कार्ड बांटे जा रहे हैं। और आपको बता दें, जांजगीर में एक हादसा हुआ है। कार ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल है। सबको अस्पताल ले जाया गया। बलोदा के मदनपुर गढ़ गांव में यह दुर्घटना घटी है। तो कार ने बाइक सवारों को कुचला है। बाइक सवारों को कुचलने में 2 लोगों की मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। फौरन अस्पताल ले जाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट की दस्तक है। इसके चलते कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में निजी नलकूप खनन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए। जिले में कोई भी बोरिंग मशीन बिना अनुमति के न प्रवेश कर पाएगी, न नलकूप खनन होगा। कोई व्यक्ति निजी तौर पर नलकूप खनन कराते पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। अब ग्वालियर का तिघरा डैम सूख चला है। महज 31 जुलाई तक उसमें पानी बचा है। ग्वालियर की 80% आबादी को यहीं से वाटर सप्लाई होती है। और इस वक्त आपको मध्य प्रदेश के धार लिए चलेंगे, जहां PM सूरज पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है और मंच के ऊपर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। कई हितग्राहियों को चेक का वितरण भी किया जा रहा है। सीमा सोनी, जो कि श्रीमूर्ति स्वसहायता समूह से हैं,
और आपको समूह बैंक लीकेज करवाया जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 6,28,000 रुपए का समूह बैंक लिंकेज श्रीमती सीमा सोनी श्री सुनील सोलंकी को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्हें संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख का ऋण जेसीबी वाहन हेतु बीओआई बगड़ी द्वारा प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हमारे बीच श्री संतोष मारू आमंत्रित हैं और उससे पूर्व श्रीमती मीना बाई जिन्हें जमीन का अधिकार पत्र दिया गया, श्री प्रभु गोयल जिन्हें भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 90,000 का ऋण सेंटिंग के लिए दिया जा रहा है, श्री संतोष मारू जिन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 9.5 लाख का ऋण कियोस्क सेंटर हेतु बैंक ऑफ इंडिया धार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को ढेरों शुभकामनाएं। ये अभूतपूर्व पल है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हित लाभ वितरण किया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को ढेरों शुभकामनाएं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि हमारा मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति की गति पकड़ रहा है और तो इस कार्यक्रम से जुड़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद पहले मारपीट और फिर गोलियां चलाई गई। 15 से 20 लोगों ने एक साथ फायरिंग की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है और घटना की जानकारी गांव वालों ने थाने में दी, जहां सुनवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। और चलिए वापस आपको धार की उसी सभा में लिए चलेंगे, जहां हितग्राहियों को आज चेक का वितरण हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। हमारे सांसद कहां छतर सिंह दरबार जी, जोरदार तालियां बजाएं छतर सिंह दरबार जी के लिए। श्रीमती नीना वर्मा विधायक, जोरदार अभिनंदन करें नीना वर्मा जी का। श्री कालू सिंह ठाकुर जी विधायक धर्मपुरी, कालू भैया। मनोज सोमानी जी भाजपा के जिला अध्यक्ष। सरदार सिंह मेड़ा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष कहाँ हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करें सावित्री जी का। हमारी रंजना बघेल जी पूर्व मंत्री पूर्व विधायक, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी कहाँ गजेंद्र भैया, जोरदार अभिनंदन आपका, बहुत जोरदार अभिनंदन। श्री बेल सिंह भूरिया जी पूर्व विधायक, बेल सिंह जी। मुकाम सिंह जी निगवाल पूर्व विधायक। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, इस अवसर पर जयदीप पटेल जी, जयदीप जी का अभिनंदन है। जगदीश मुवेल जी, नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा, जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आकर के, खास करके मैं सागर से आपके बीच में आया और आने में जो हवाई यात्रा का मार्ग है, लगातार प्रवास के बाद भी अपनी भौगोलिक दूरी धार से सागर के बीच में लगभग 1.25 घंटा हवाई मार्ग से ही लगता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो 450 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन फिर भी आपका प्रेम है कि आपके बीच में प्रणाम करने आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच संबोधित करके ये कार्यक्रम हुआ होगा। किस वर्ग का ध्यान नहीं रख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजाकर। कितनी बारीक बारीक बात, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे श्रमिक बंधु जो हमारी सफाई में, खास करके सेफ्टी टैंक के साफ सफाई में भी लगते हैं,
उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का उनके लिए आयुष्मान कार्ड, कोई गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार चालू करे, ये बहुत सारी योजनाओं के अभी मेरे हाथ से चेक वितरण हुए, एक के बाद एक लगातार सरकार जो काम कर रही है। और इसी के बलबूते पर, हम अपने कामों के बलबूते पर भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के दुनिया के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया। हमको इस बात का गर्व है, लगभग 100 साल तक हमको गुलाम बनाने वाला अंग्रेज इंग्लैंड, वो अब हमारे हाथ के नीचे आया है। जोरदार ताली बजाओ अपने भारत के बढ़ते कदम को लेकर। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कौन से बड़े बड़े देश भारत से दोस्ती करना नहीं जानते। और यहां टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 24 पर। देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ में। फिलहाल हमें इजाजत दें, नमस्कार।